गाइस आप लोग सामने वाला रोड देख सकते हैं, ये रोड सीधा शहीद मैदान से आ रहा है और ये इधर नया सराय की ओर जाएगा सीधे आप लोगों को लेकर। और ये जो जस्ट सामने वाला जो है रोड, ये आप लोगों को साई धाम की ओर लेकर चलेगा। आप लोग बोर्ड में साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ से साई धाम लगभग 2 किलोमीटर है। और सबसे स्पेशल बात गाइस, आप लोगों को यहाँ पर सीधे इसके अपोजिट जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर दिखेगा। ये जगन्नाथ स्वामी जी के मंदिर जाने का रास्ता है, सो मैं आज आप लोगों को साई धाम लेकर जाने वाला हूँ। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना गाइस। हेलो गाइस, सो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को देखकर पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के जरिए लेकर आया हूँ साई धाम। सो सबसे पहले सारे साई भक्तों को मेरी ओर से साई राम। सो गाइस चलो मैं आप लोगों को प्रॉपर एड्रेस बता देता हूँ इस साई धाम की। सो गाइस ये साई धाम ना रांची में स्थित है, एक जगह है पुंदाग। यहाँ पर ना 2 सोसाइटी है, एक है ऋषभ नगर और एक है साई सिटी। तो साई सिटी के जस्ट अपोजिट में ये साई धाम स्थित है और साई सिटी में भी एक साई मंदिर। सो वीडियो में बने रहना गाइस, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, वीडियो में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ से स्टार्ट होता है साई धाम, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक साई बाबा की मूर्ति है। चलो मैं पास से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये साई धाम का पार्किंग एरिया है, काफ़ी ब्रॉड है, यहाँ पे काफ़ी गाड़ी अच्छे से पार्किंग हो जाती है। आप लोगों को इस चीज़ के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इस साइड से भी इसका रास्ता है साई मंदिर आने का, और यहाँ से अभी हम लोग एंटर करेंगे मंदिर में। ये विभूति है गाइस जो बाबा का असली प्रसाद किसी को बोला जाता है, साईं बाबा का प्रसाद। ओके, आप लोग किसी भी जगह का साईं मंदिर चले जाओ, आप लोगों को आप लोग शांत से बैठ जाओगे ना, आप लोगों को इतना शांति मिलेगा ना कि मैं बता नहीं सकता। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है ना कि अभी मुझे घर ही जाने को मन नहीं कर रहा छोड़कर। सो चलो मैं और भी जगह आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोगों को गेट के एंट्रेंस में ही वो वाला खूबसूरत सा दिखेगा, यहाँ पे साई बाबा है और उनके कुछ मित्र हैं जो कि द्वारका माई में उनके साथ रहा करते थे। आप लोग साई बाबा का स्टोरी देखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता होगा। ये है द्वारका माई, यहाँ पे बना हुआ है जहाँ पर साई बाबा बैठा करते थे, बच्चों के साथ खेला करते थे और वहीं पर साई बाबा रहते थे। तो यहाँ पर भी द्वारका माई बनाया गया है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया अंदर जाकर, आप लोगों को वीडियो में सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे और भी कुछ है गाइस, इधर बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है इस वाले साई मंदिर में जो कि न्यू पुंदाग में स्थित है। गाइस आप लोगों को मैंने प्रॉपर एड्रेस पहले ही बताया है, आप लोग इस जगह को विजिट कर सकते हो। आप लोगों को उधर अंदर लेकर चलूँगा। यहाँ पे
गाइस श्री दत्तात्रेय मंदिर है आप लोगों को। जूम कर कर दिखा रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे मन्नत का दीप लिखा हुआ है, यानी कि आप लोग मन्नत का दीप यहाँ पर जला सकते हैं। और गाइस यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पे साईं बाबा है और उनकी माई बाईजा माई है साथ में, और ये पंडित जी है जो कि उस समय इन लोगों के साथ में ही रहते थे साईं बाबा। सो काफी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे देखकर। साईं बाबा का ये वर्ड था सबका मालिक एक, यानी कि साईं बाबा सारे धर्म को एक ही मानते थे सारे लोगों को। गाइज यहाँ पर शिरडी वाले साईं बाबा का सीधा लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। गाइज इस मंदिर में ना आप लोगों को उन लोगों की तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी जो लोग शिरडी वाले साईं बाबा के साथ में ना उस टाइम पर जुड़े हुए थे, उनके साथ रहा करते थे, उनके हर एक्टिविटी में उनका साथ दिया करते थे। उन लोगों की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है और उनमें नाम भी लिखा हुआ है, आप लोगों को इन लोगों के बारे में यहाँ पर आकर जानकारी मिलेगी। सो गाइज आप लोग इस जगह को एक बार जरूर विजिट करना। नमस्ते भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोम नाम दीपक कुमार तिवारी हुआ। हर एक बृहस्पतिवार को यहाँ बाबा की तरफ से भंडारा होता है जी। दोपहर में खिचड़ी चोखा सलाद, शाम को संध्या आरती होने के बाद जी पूरी आलू चना का सब्जी भोग वितरण किया जाता है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मतलब भोग वितरण होता है यहाँ? हाँ, भक्तों के द्वारा भक्त लोग भंडारा कराता है। अच्छा। उनके माध्यम से सबको खिलाया जाता है। तो कोई भी भक्त यहाँ पे भंडारा करा सकते हैं? गाइस देखो यहाँ पर दो भाई लोग हैं जो कि अभी साईं बाबा का भोग ग्रहण किए हैं। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत शानदार। और मंदिर कैसा लगा? बहुत शांति है, बहुत शांति है ना। गाइज आप लोग यहां पर देख सकते हो सारे भक्त यहां पर भोग ग्रहण कर रहे हैं। एंड गाइज इस साइड आप लोग देख सकते हैं भोग वितरण हो रहा है जो कि एक भक्त के द्वारा किया जा रहा है। देखो मेरे सारे फ्रेंड्स यहां पे भोग खा रहे हैं साईं बाबा का। तो टेस्ट नहीं किए हैं, उससे साईं ढाबा आए हैं तो प्रसाद तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप लोग कैसा लगा? आप सब भी टेस्ट कर लीजिए। साईं बाबा का धाम में आकर तो सब भोग क्या सब चीज अच्छा लगता है क्या? सो गाइस फाइनली हम लोगों को साईं बाबा का प्रसाद मिल चुका है और हम लोग खा रहे हैं। अभी बहुत सारे फ्रेंड्स सारे प्रसाद खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को प्रसाद ग्रहण करके। आप लोग भी यहाँ पर एक बार जरूर आओ प्रसाद ग्रहण करने के लिए साईं बाबा के धाम में। सो गाइस आप लोगों को ये साईं बाबा का धाम वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखना। पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना गाइस। और मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। सभी साईं भक्तों को साईं राम।